सो हाय गाइस दिस इज राघव अ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रैड एट नाइटी डेली एंड जिनको नहीं पता मेरी जेई मीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की केमिस्ट्री में नाइन टाइम पॉइंट फाइव नाइन परसेंटाइल थी एंड इस वीडियो में मैं तुमको बताने आ रहा हूँ कैसे तुम जेई मीस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में नाइनी नाइन परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में सो इस वीडियो में तीनों को कवर किया है फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो स्टार्टिंग ऑफ विद फिज़िकल केमिस्ट्री अगर तुमने थ्योरी वाला पार्ट भी नहीं गया तो मंजिल सीरीज रेफर कर सकते हो पी की मैं तुमको पर्सनली वाला टीचर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है यूट्यूब और भी वन शॉर्ट्स पढ़ें तुम चाहो तो उनको जाके देख सकते हो बट फॉमूला शीट जरूर प्रिपेयर कर लेना साइड बाई साइड क्योंकि एंड में रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो इस तरह के वीडियोस हर चैप्टर के मिल जाएंगी और ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है यही क्वेश्चन बार बार यही में इनसे पूछे जाते हैं तो इनको कम से कम दो से तीन बार रिवाइज कर लेना तुम्हारा काम हो जाएगा अब बात रही कि जिनसे फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारी कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं तो उसका और कोई तोड़ नहीं है भाई उसके लिए उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बस यही एक टिप है कि फिजिकल के क्वेश्चन हमेशा एंड में उठाओ पेपर में क्योंकि तुम्हारे पास प्रेशर नहीं रहेगा उस वक्त एंड जब भी तुम्हारी फिजिकल के क्वेश्चन आए स्लो डाउन हो जाओ आराम से टाइम लेकर करो क्योंकि प्रिसाइज आंसर चाहिए तुमको एंड बेसिक बेसिकट कन्वर्जनस लाइक पैसकल को बार में कैसे कन्वर्ट करना है ये सब चीज़ें याद रखना सो so, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सो so, अगर तुमने इसमें थ्योरी अला पार्ट नहीं किया है वापस से तुम पीडब्ल्यू का मंजिल का वन शॉट देख सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा एन पढ़ना मस्ट हो जाता है सो so, काफ़ी लोगों को मेरी तरह एन uh, सी समझने में दिक्कत आती है सो so, तो ये साक्षी साक्षीपुरा मैम का बुनियाद सीरीज़ के वन शॉट्स हैं इसमें तुम जाके देख सकते हो उसमें इन्होंने पूरी एन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है तो इसको जाके जरूर देख लेना एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी वाई सॉल्व करने के लिए वापस से ये पी की सीरीज़ है इस पर जाकर तुम पी देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो वापस से ये तीन मैंने पहले ही बता रखे हैं बहुत तगड़े हैं पी टेबल के लिए और केमिकल बॉन्डिंग के लिए तो ये लेक्चर ज़रूर देख लेना अगर तुमको इन चैप्टर्स में दिक्कत है तो बाकी इसके लिए सिर्फ ये टिप है कि जो भी कुछ पी वाई क्यों में तुमको नया पता चले कि मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं तो उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो अलग से एंड एंड में रट के चले आना एंड इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए बेस्ट टिप यही है कि जब तुमने पूरा पढ़ लिया हो चैप्टर तो उसके बाद एक ब्लैंक पेज लो उस पर तुमको जितना कुछ याद है वो सब लिख दो ये बेस्ट वे है इनऑर्गेनिक को रिवाइज़ करने का सो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी और आइसोमेरिज्म करना ही पड़ेगा वन शॉट से इसको टाइम देकर करो क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में काम आने वाला है एंड साथ ही में इंडिविजुअली भी इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है तो ये दो वीडियोस से जाकर तुम कर सकते हो जी ओ उसके बाद अगर तुमने ऑर्गेनिक में तुमको कुछ भी नहीं आता अभी तक तो ये वीडियो डेफिनेटली जाकर देख लेना क्योंकि इसमें सारी नियम रिएक्शन जो कि जेम मीन से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं सारी एक वीडियो में दे रखी हैं अब तुमको नेम रिएक्शन और सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एक स्पेशल कॉपी बना के रखनी है मैंने उसका नाम दे रखा है मैजिक कॉपी तुम चाहे जो बोलो वो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद पी वाई क्यूज़ लगाने के लिए तुम ये वाली वीडियोज़ देख सकते हो हर चैप्टर के अवेलेबल हैं और इसके लिए भी यही बेस्ट टिप है कि जो भी तुमको कोई नई चीज़ पता चले उसको जैसे कोई नया रिएजन पता चला उसको उस कॉपी में नोट डाउन कर लो और रट लो इससे बार ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आएगा ये बेस्ट तरीका है एंड सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट इस वीडियो में दे रखे हैं ये वीडियो जाके देख सकते हो छोटी सी है एंड उसके अलावा इस मैजिक कॉपी को हर दिन रिवाइज़ करना है दो महीने तक एंड कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना मोर देन इनफ है क्योंकि काफ़ी बार होता है कि तुमसे स्ट्रक्चर दिया रहता है और उस पर रिएजेंट का जब प्रोडक्ट बनता है तुमको उसका सीधा नाम दिया होता है स्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो इस केस में तुम्हारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना अब एक चीज़ मैं तुमको एड ऑन बताना चाहता हूँ वो है ये वाली पीडब्ल्यू की सीरीज़ दैट इज़ तुम्हारी माइंड मैप सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर तुमको एंड में रिवीज़न करना है तो अभी नहीं बट एंड में जब बहुत कम टाइम बचा होगा लाइक एंड के कुछ दिनों में तुम ये सीरीज़ को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो टिप यही है कि कोई भी चैप्टर छोड़ना मत केमिस्ट्री में एटलीस्ट बेसिक्स तो करके आना वन इन शॉर्ट्स से और फिज़िक्स और मैथ्स धोखा दे सकती है बट केमिस्ट्री अभी नहीं देगी मेरे साथ भी यही हुआ था एंड कोई भी फालतू के रिसोर्सेज करने की जरूरत नहीं है एंड सी आर टी पी वाई क्यूज़ मोर देन इनफ है एंड दैट्स अट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग